अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और भ्रष्टाचार का खामियाजा रायपुर जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मचारी और बच्चों का भुगतान पड़ रहा है। जी हां, अभनपुर के गोतियार डीही आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवन में संचालित किया जा रहा है, जो कभी भी बरसात के चलते ढह सकता है। ऐसे में लगातार यहां बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है, लेकिन अब भी इस पर कोई भी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। अभनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम गोतियारडी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से उपेक्षित है, जिसका खामियाजा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के आंगनबाड़ी अत्यधिक जर्जर कमरे में संचालित हैं और बरसात होने पर जगह जगह पानी की बूंदें आती हैं। कच्चे मकान में संचालित इस केंद्र के बारिश में ढहने का भय बना रहता है। इससे बच्चों के साथ ही ग्रामीण परेशान है, जहां निर्माण कार्य के लिए आए लाखों रुपए सरपंच द्वारा बंदर बांट कर दिया गया है। आंगनबाड़ी की हसीना बंजारे ने बताया कि इस आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए पंखे और बिजली की व्यवस्था खुद अपने पैसे से कर रही है। जी, गोतियारडी केंद्र क्रमांक 2 है और 4 साल से यहाँ संचालित हो रहा है केंद्र। ये सारी व्यवस्थाएं मैं कर रही हूँ, सरपंच कुछ भी नहीं किया है। ये बरसात में बस वही पानी वगैरह टपकता है। सरपंच बोले अभी जैसे तैसे मैनेज कर लो, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए जारी राशि पर ग्राम के निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है और रुपए का आहरण कर दिया गया है, जिसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की गई है। लेकिन अपने बच्चों को जर्जर कमरे में संचालित आंगनबाड़ी में भेजते हैं, जहां जर्जर होने के चलते भय बना रहता है। आंगनबाड़ी एक ग्राम गोतियारडी का आंगनबाड़ी का मामला ये है सर, कि मरेंगा के तहत 6,45,000 जो स्वीकृत राशि था, उसमें सरपंच के द्वारा प्रथम किस्त 1,45,000 महिला बाल विकास से प्राप्त किया गया है, जिससे आज तक वहाँ पे एक ईंट नहीं रखा गया है। और आज दूसरे के मकान जो खपरा कच्ची मकान है, जिसमें बच्चे लोग को वहाँ पढ़ाई किया जा रहा है, जिसमें बरसात के दिनों में पूरा पानी टपकता है, जिससे वहाँ दुर्घटना हो सकता है। इस मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी जागेश्वर साहू ने बताया कि भवन निर्माण के लिए रुपयों का आवंटन हो चुका है, लेकिन भवन नहीं बन पाया है। वो किराए का भवन है, तो उसमें पता किए हैं तो कुछ पानी टपक रहा है, तो स्थायी तौर पर हम बात करेंगे, देखेंगे जाके और कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे पानी न टपके। बरसों से रहे, कम 7-5 साल हो गए ऐसी जी। नहीं, एक्चुअली कच्चा मकान में होता है क्या है कि कई बार पानी टपकने की बात कभी भी शिकायत आ सकती है, कच्चे मकान में ये होता ही है। जो पंचायत के निर्माण इकाई बनाना प्रारंभ नहीं किए हैं, वहाँ भवन स्वीकृत हो चुका है ऑलरेडी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि शासन द्वारा ग्रामीणों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट।